Lately she been on my bad side, acting like she know me since she met me in a past life. Ayy, had to tell her she should act right. She said my son is a spiritual healing. At the ribbon, fuck your feelings. The way she said my son is a spiritual healing. At the Hello guys and welcome back to the channel. मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का Marvel Contest of Champions का वीडियो बनाने जा रहा हूं regarding the Mastery Booster Pack जो मेरे हिसाब से साल में एक या दो बार ही आती है ये डील, बट जब भी आती है I try to make sure कि ये वाली डील मैं ले लूं और मास्टरी में जितना इम्प्रूवमेंट कर करने की पॉसिबिलिटी है उतना करूं, क्योंकि आई बिलीव दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डील्स. तो अगर आप जाके देखोगे यहाँ पे आपको क्या ऑफर कर रहा है, 3 कार्बोनेडियम मास्टरी कोर और 4 स्टोनी मास्टरी कोर आपको दे रहा है यहाँ पे. और अगर आप स्टोर पे जाके मास्टरी स्टोर में देखोगे तो इसकी एक की वैल्यू है 550. तो मतलब इतना मेजर हेल्प करता है आपको ये वाले कोर्स दैट आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम बाइंग इट एंड आई विल डिसाइड थोड़े दिनों में कि मैं अपना मास्टरी यहाँ पे बेबी ध्रुव में कैसे चेंज करूँ, क्या क्या ट्वीक कर सकता हूँ. बट आई थिंक आई हैव अ बेसिक आइडिया मैं किस पे ज़्यादा डालना चाहता हूँ. मैं डालना चाहता था डीप वूंड्स में और पॉइंट्स. तो आप देख रहे हो यहाँ पे उसका है एक ये कार्बो नेडियम लगेगा और दूसरा लगेगा स्टोनी मास्टरी कोर, 2 आइटम. तो मेरे डीप वूंड्स अनलॉक होता है तो काफ़ी हद तक मुझे और असिस्टेंस मिलती है. इसको रिकवर करेंगे हम अभी, बट एक मैं सोच रहा हूँ मैं असैसिन्स में भी पॉइंट डालूँ, सो दैट ऑल्सो आई विल बी एबल टू अनलॉक टुडे एंड आई विल जस्ट पुट दीज पॉइंट्स आउट ऑफ दिस एक्सटेंडेड फ्यूरी. इसको रिकवर करके मैं कर लूँगा वो सेटअप अपना और इसको इम्प्रूव कर लेते हैं अभी के अभी. सो दैट्स वॉट माई प्लान वॉज कि डीप वूंड क्यों, क्योंकि आई यूज़ अ ब्लीडर जो है मेरा आर्च एंजल. आई रियली रियली लव हिम एंड इन्जॉय यूजिंग हिम. सो वो काफ़ी हेल्प करता है मुझे. सेकेंड मेरा ब्लीडर है गाइज मोल मैन, उसके लिए भी काफ़ी हद तक हेल्प आती है. ही ऑल्सो विल डील मोर डैमेज एंड इट्स गोइंग टू बी मच मोर फन टू प्ले विद हिम. एंड या निक फ्यूरी है मेरे पास, बट अभी उसको रैंक अप नहीं किया. बट वंस आई एम एबल टू रैंक 5 निक फ्यूरी, उसके बाद काफ़ी हद तक काफ़ी मज़े करेंगे हम उसके साथ भी. तो एज़ यू नो मैं मास्टरी के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट मास्टरीज होती हैं क्रूअल्टी और प्रिसिजन की. क्रूअल्टी से क्या होता है गाइस, प्रिसिशन से क्या होता है गाइस, इसकी जो आपका येलो क्रिटिकल नंबर आता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और आने के. तो ये कह रहा है इंक्रीजेस क्रिटिकल रेटिंग कि आप क्रिट कितनी बार करते हो. फॉर एग्जांपल कॉर्विस ग्लेव हर मीडियम हिट में क्रिट करता है तो उसकी क्रिटिकल रेटिंग ऑलमोस्ट 100% मान सकते हो अगर आप सिर्फ मीडियम लेकर चलो, राइट. बट बाकी जो चैंपियंस होते हैं उनकी रेटिंग पे डिपेंड करता है, एक तो उनकी बेस रेटिंग पे और ये वाला प्रिसिजन मास्टरी उनकी सबकी चैंपियन की रेटिंग 425 से बढ़ाता है कि ज़्यादा क्रिटिकल मारोगे. और क्रूअल्टी क्या करता है कि जो क्रिटिकल डैमेज होता है उसका वैल्यू बढ़ा देता है 475 से गाइस. सो इट्स प्रीटी गुड, रेटिंग बढ़ाता है सबकी. देन वील गो फॉर करेज, ऑब्वियसली 50% से हम कम ही रहते हैं हेल्थ पे, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट. तो 3 पॉइंट करेज में, 1 पॉइंट मैंने डाला था डिस्पेयर में, नॉट मोर देन दैट अभी के लिए. तो देन आई थिंक आई कैन पुट 1 मोर पॉइंट देयर, बट अभी डीप वूंड्स और असैसिन्स ही सोचा हुआ है मैंने, तो वही करते हैं. डीप वूंड्स में कितने पॉइंट सोचे थे, 3 ना. तो उसका फाइनल स्टैट देखते हैं कि ब्लीड भी लॉन्गर लगेगा मेरा, 1 सेकेंड से लॉन्गर, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है. एंड करंट सेटअप अगर दिखाएगा, ये नहीं दिखाया, 1 सेकेंड से लॉन्गर लगेगा और उसका एडिशनल डैमेज भी देता है गाइस उसको 0.5% का. एंड असैसिन्स अब जो अनलॉक हुआ है मेरा, उससे मुझे मेरे चैम्पियन को 20% का अटैक मिलेगा जब भी डिफेंडर 18% से कम पे होगा और उसकी एबिलिटी एक्यूरेसी भी कम होगी 12% से. सो देर इज़ अ वेरी वेरी गुड
वेरी गुड मास्टरी टू हैव गाइज. अब मैं देखूँ मेरे कितने पॉइंट्स बचे हैं मास्टरी के, 3 पॉइंट्स बचे हैं. मैं जनरली इसको ग्लास कैनन में 3 पॉइंट देता हूँ क्योंकि इससे भी मेरे अटैक वैल्यू बढ़ती है चैम्पियंस की बाय 7.2%, विच इज़ अमेजिंग एंड आई एम गोइंग फॉर दिस. क्योंकि मैंने डिफेंस में ज़्यादा ये रिकवरी शिकवरी नहीं डाला हुआ, बिकॉज उसके लिए मेरे को अभी लग रहा है कि जब मेरे को अगले 6 महीने में मौका मिलेगा ये बंडल ख़रीदने का, तब हम वो उसको भी कर सकते हैं डील उसके साथ. तो गाइज़ ये वीडियो इसलिए बनाया मैंने कि अगर आपने अभी तक ऐसी कोई डील नहीं खरीदी, आई विल सजेस्ट कि आप ये ख़रीदें एंड यू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इट लाइक आई डिड टूडे. और इसी के साथ मैंने आपको अपना मास्टरी सेटअप भी दिखा दिया. ये अटैक का है, आप जाके मेरा अगर देखना है डिफेंस का, यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट हेयर. एंड फाइनली मेरा है ये प्रोफिशंसीज का. तो डिफेंस में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ब्लॉक प्रोफिशंसी, जो हर चैम्पियन की 800 से ब्लॉक प्रोफिशंसी बढ़ाता है. एंड सेकेंडली मैंने परफेक्ट ब्लॉक भी लिया है, 4% चांस होता है कि आप 0 डैमेज लोगे अपने ब्लॉक पे. एंड ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने फिर भी इसमें डाला हुआ है. आई थिंक आई कैन रिमूव दिस एंड प्रॉबेबली पुट इट समवेयर एल्स. लाइक अगर मैं डिस्पेयर कभी अनलॉक करूँ, आई डोंट थिंक मेरे पास कोर पड़े हैं क्या आइटम्स हैं. अगर मेरे पास पड़ा है तो आई थिंक मैं डिस्पेयर भी अनलॉक कर सकता हूँ. आई रियली डोंट माइंड डूइंग दैट. हाँ, एक पड़ा है मेरे पास, एक और पॉइंट मैं डिस्पेयर में डाल सकता हूँ. फिर उससे डिस्पेयर से क्या होता है गाइस कि अभी एक बार बता देता हूँ आपको कि जब आप डीबफ लगाते हो क्या बोलते हैं डिफेंडर पे, तो उनकी हीलिंग और रीजनरेशन 5% से कम होती है. सो बेसिकली दिस विल हेल्प मोर विद चैम्पियंस लाइक कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर एंड ऑब्वियसली वॉइड. तो वॉइड के लिए एंड देन ऑब्वियसली ह्यूमन टॉर्च ऑल्सो, तो काफ़ी अच्छी मास्टरी है ये होने के लिए. सो इफ आई कैन डू दैट आई विल जस्ट डू इट. क्यों ऐसे फालतू पॉइंट्स डालने हैं, हम यहाँ जाते हैं. और ये फ्री टू प्ले के लिए मैंने रखी हुई है और मैं फ्री टू प्ले ही हूँ. मैं यहाँ इस वाले अकाउंट में एक भी पैसा नहीं खर्चता गाइस. सो ब्लॉक प्रोफिशिएंसी में 4 पॉइंट्स तो रखूँगा ही मैं, क्योंकि दिस इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मास्टरी टू हैव. देन आई कैन जस्ट अनलॉक 1 पॉइंट हेयर एंड इंक्रीज डिस्पेयर. अब मेरे ख़त्म हो गया और अभी मैं ये डील नहीं लूँगा, जब मेरे को मौका मिलेगा तब लेंगे. और मेरे आई थिंक अटैक रेटिंग इज़ परफेक्ट हेयर एंड प्रोफिशंसीज इज़ ऑल्सो परफेक्ट. ये वाला और पॉइंट ले नहीं सकता, वरना ज़रूर लेता. बट यहाँ पे भी अब आप देखो, मैंने लिम्बर भी मैक्स आउट किया हुआ है फॉर डिफेंस पर्पसेस. डेक्सटेरिटी में 1 पॉइंट बहुत होता है. ये स्टूपेफाई में 3 पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है. पेट्रीफाई में 3 रखना बहुत ज़रूरी है. पैसिफाई में 3 रखना बहुत ज़रूरी है. और पैरी में 3 रखना बहुत ज़रूरी है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब जो मेरे बाकी के बचे पॉइंट्स हैं, आई थिंक 5 पॉइंट बचे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि इसमें डाल देते हैं एनर्जी रेजिस्टेंस में 2 पॉइंट और डाल देते हैं बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट. सॉरी, ऑलराइट 3 पॉइंट यहाँ डल गए. सो प्रेटी गुड, प्रेटी सॉलिड. इससे वैसे मेरा कोई चैंपियंस का और वैल्यू बढ़ा नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ मेजर चेंज आई हैव डन इन माय मास्टरी सेटअप गाइस. चलो गाइज, ये रहा मेरा मेन बेबी ध्रुव का मास्टरी. आपको फटाफट से सुसाइड मास्टरी सेटअप भी दिखा देते हैं. थोड़ी खांसी हो गई मुझे गाइज. तो गाइज, अब सुसाइड मास्टरी में क्या होता है कि ये वाला यहाँ तक तो हम सेम रखते हैं, ये 5-5 तक. और यहाँ पे करेज में 2 पॉइंट कम रखे हुए मैंने. सुसाइड मास्टरी इज बेसिकली ये राइट वाला सेटअप है, ये वाला सेटअप जहाँ पे डिस्पेयर और डीप वुंड्स और असैसिन में कुछ नहीं डाल के हम डालते हैं इनमें पॉइंट्स. ग्लास कैनन में एक ही जरूरी होता है,
ये सबसे गंदा पॉइंट होता है सुसाइड मास्टरी का, रिकॉइल। इसमें आप 5% लूज करते हो जब भी आप स्पेशल 1 या स्पेशल 2 देते हो, बट स्पेशल 3 में आप 5% नहीं लूज करते। फिर आती है गाइस लिक्विड करेज की, जिसमें आपको मिलता है 30% से ज़्यादा डैमेज, बट आप 0.6% हेल्थ लूज करते हो पॉइजन से कंटिन्यूसली। फिर आता है डबल एज, जिसमें आप अटैक इंक्रीज कर लेते हो अपने चैंपियंस का बाय 30%, पर आप 20% हेल्थ लूज करते हो ब्लीड डीबफ से 16 सेकंड के टाइम पे। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं गाइस, कि वी हैव द विल पावर मास्टरी, जिससे आप अगर आप पे कोई डीबफ लगाए लेट्स से लाइक ब्लीड एंड पॉइजन, तो आप रीजनरेट करते हो हेल्थ 0.7% से। एंड उसी के साथ मेरे को अनलॉक करना पड़ा कोएगुलेट, कि ब्लेड डैमेज जो आप पे लगेगा वो 30% कम लगेगा। तो इफ़ेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट कर देता है ये आपके हेल्थ को, एंड आप ज़्यादा हेल्थ लूज़ नहीं करते एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ टेकिंग रिकॉइल गाइज। तो अगर आपको स्क्रीन शॉट ले रहे हैं, ये रहा ऑफेंस का मेरी सुसाइड मास्टरी का सेटअप। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द डिफेंस, एंड फाइनली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रोफिशिएंसीज। सो गाइज आज के लिए इतना ही, यही मेरा प्लान था आज कवर करने का। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है आपको। इन केस आई है प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।